बार बार बीच में भी बोलती हूँ, कह दो राधे राधे, तो जरा हृदय से जोर से अटारी की ओर देखते हुए बोला करो, क्योंकि जिस ठाकुर से हम प्रेम कर बैठे हैं, बरसाने में बैठे रसिकों का कहना है, कि पूर्णिमा जो जन सीधे ठाकुर जी की शरण में जाता है, तो ठाकुर जी तो ऐसे भंवरे हैं, आज उस फूल पर कल उस फूल पर, उनका क्या है। कभी भी जो कि अक्सर प्रेमियों से सुनते हैं कि शुरू शुरू में तो ऐसे ऐसे लक्षण, कभी स्वपन में आना, वृंदावन बुलाना, और जब पूरी तरह से इसके हो गए तो मेरी ओर देखता ही नहीं, तो संत लोग जवाब देते हैं कि अब उसे पता है कि तुम उसके पूरी तरह से हो चुके हो, कहीं जाने वाले नहीं, इसलिए फिर वो नया शिकार ढूंढता है। लेकिन जो सीधे ठाकुर की शरण में जाते हैं तो संजोग वियोग लगा रहता है, लेकिन जो सीधे लाडली की शरण में जाते हैं, एक वही शरण ऐसी है जिसको ठाकुर भी स्वयं एक पल के लिए छोड़ता है। श्री जी की शरण में चले जाओ, राधा नाम लेते रहो, क्योंकि ये वो राधा नाम है राधा। I'm a
सुंदर कुंवर कन्हा, सुंदर कुंवर जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कहूं आवत नाही। कितने कितने प्रयास किए जाते हैं इस ठाकुर को पाने के लिए, लेकिन इसको पाना रसिकों ने कितना सहज करके बता दिया कि जाके सुमिरत उर में आवत। हृदय में आकर फिर ऐसा बैठ जाता है, पहले तो आता नहीं और जब आ जाता है फिर लाख निकालने की कोशिश करो जाता नहीं। क्यों? क्योंकि आपके हृदय आसन पर उसे राधा नाम मिल गया तो वो कभी छोड़ के जाएगा नहीं। इसीलिए राधा नाम परम सुखदा, बरसाने का उपासक है, राधा रानी का उपासक है। ये हितमय रसमय नाम प्यारो, सब रसिकन के मन भाई,
रसिकों की मन की वृत्ति कुछ अलग होती है। रसखान गोविंद को यूं भजिए जिमें नागर को चित गागर। उनके हृदय में, उनके मस्तिष्क में, उनके दिलो दिमाग में, उनकी आत्मा पर, उनके मन पर, उनके तन पर वो राधा नाम ऐसा बस चुका है कि वो हर समय चाहे किधर भी बात कर रहे हो लेकिन मन में वो राधा नाम चलता रहता है। उसकी पहचान क्या है? जब कोई रसिक जन हमारे यहाँ आते हैं तो 10-15 लोग स्वागत के लिए खड़े होते हैं, बोलते सब राधे राधे। वो रसिक जन, वो संत जन अपनी धुन में, अपने मस्त में, कोई आंख नीचे करके, कोई कैसे चल के राधे राधे जवाब देता है, लेकिन उसे भीड़ में कोई एक बार बोल दे नमस्ते तो मानो कि उनके भजन में खलल पड़ गया। वो उसको मुड़ के जरूर देखते हैं क्योंकि उनके हृदय में जो राधा नाम की वीणा है हर पल हर क्षण चलती बजती रहती है। और किसी रसिक को प्रसन्न करना हो तो बस राधा नाम ले दो और कोई भोग मिले ना। हित में रस में नाम प्यारो, हित में रस में नाम प्यारो, सब रसिकन के मन भार, रसिकन के मन भार, राधा परम राधा राधा धूम मचा,
ठाकुर जी सारी लीला को समेट कर अपने धाम के लिए चले गए तो सभी पटरानियां बिरहा की अग्नि में जल रही थी। जब कुछ और नहीं सूझा तो सीधा वृंदावन गई द्वारिका से यमुना जी की शरण में और कहने लगी, तुम्हें पता है कि ठाकुर हम सबको छोड़कर चले गए। यमुना जी मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ। तो बोले, हमसे तो ये बिरहा सहा नहीं जा रहा, पर तुम इतनी प्रसन्न कैसे हो? तो यमुना जी मुस्कुराकर बोली, देखो पटरानी तुम भी हो और पटरानी मैं भी हूँ, लेकिन तुझ में और मुझ में बस भेद यही है कि जिस दिन से ठाकुर ब्रज को छोड़ के द्वारिका चले गए उस दिन से मैंने लाडली जी की शरण ले ली। और लाडली जी की शरण वो शरण है कि उस शरण को लेने के बाद मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं ठाकुर जी से दूर हूँ, मुझे कभी ठाकुर जी का भी योग सताया ही नहीं। इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम भी किशोरी जी की शरण ले। इसीलिए यमुना मैया आज भी ब्रज में कल कल करके जब बहती है तो मानो वो कल कल करके क्या कह रही है, वो नाद स्वर में कह रही है, यमुना जी की लहर लहर ने, यमुना जी की लहर लहर में, राधा राधा धूम मचा, रसना पेरे उछाई, रसना पेरे उछाई, राधा नाम परम सुखदाई, राधा नाम परम सुखदाई, हाँ नाम परम सुख नाम परम सुखदाई, 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 राधा 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 राधा, भजो प्यारे में सुख की कामना तो हर कोई करता है ना, सुख चाहते हो तो सुख में नाम तो लीजिए, दोनों हाथ उठा के कही ओ राधा राधा। ये सबकी आवाज नहीं है,
राधा रानी के बरसाने चलते हैं आज के भक्त के साथ।